السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما. الحمد لله हमने दुरुस्त मिनल कुरान करीम की तीन सूरतें बतफसीर पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है सूरतुल इखलास, जो कि आखिरी सूरा है आपके निसाब में, आज उसकी तफसीर, तर्जुमा और मुख्तसर फजीलत के साथ इस सूरे को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं आपको सूरतुल इखलास, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल फरमाया है, इसका मुख्तसरन शान नुज़ूल बताऊंगी। पहले इसकी हम क़िरात करेंगे, फिर इसकी तफसीर पढ़ेंगे। तो ये सूरा मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुआ, इसकी चार आयतें हैं। सूरतुल इखलास की कितनी आयतें हैं? चार आयतें हैं। और ये सूरा इस वक्त नाजिल हुआ जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग आपके रब की हसब नसब जानने की कोशिश में लगे हुए थे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया जा रहा था कि ए हबीब कायनात, यानी ए अल्लाह के हबीब, आप जिस रब की इबादत का हमें हुक्म देते हैं उसका नसब क्या है, वो किस से पैदा हुआ, वो किस मिट्टी से बना, उस वो कौन से पत्थर से तराशा गया, उसको किस धात से बनाया गया, क्या वो चांदी का है, क्या वो सोने का है, क्या वो पत्थर का है, क्या वो दरख्त का यानी लकड़ी का है। ऐसे सवालात मुशरिकीन मक्का कसरत से आप पर डालते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बिल्कुल ही नागवार गुजरी और आप बिल्कुल एक अजीब कैफियत में आ गए, जिसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरे मुबारका में अता फरमाया कि हबीब आप बिल्कुल परेशान नहीं मत होइए कि आपके रब की वहदानियत का ऐलान करें कि कैसा आपका रब है, उसका हसब नसब है कि नहीं है, और किस चीज से बना है आपका रब। ये सारी तारीफें सूरतुल इखलास में बयान की गई है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे इखलास को बहुत ही उम्दा तरीके से अल्लाह की वहदानियत का ऐलान फरमाया है। तो आज हम उस सूरत की क़िरात करेंगे, फिर उसकी उसका तर्जुमा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दो वो अल्लाह एकता है, एक है। से ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज द अल्लाह द वन, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह इज समद, लम यलिद व लम यूलद, ना इसकी कोई औलाद है ना वो किसी से पैदा हुआ, ही नाइदर बिगेट्स नॉर He is begotten. वलम यकुल लहू कुफ्वन अहद। चौथी आयत मुबारक है, वलम यकुल लहू कुफ्वन अहद, और ना इसके बराबर का कोई है, एंड देर इज नन कंपेरेबल एंड लाइक अन टू हिम। यहां पर इसकी इस तरह का तर्जुमा किया गया है। तो मैं आपको एक एक आयत के साथ इसकी तफसीर बताते चलूंगी। तो पहले इसकी फजीलत बयान करती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी फजीलत के बारे में दरियाफ्त किया गया कि या रसूल अल्लाह, इस सूरत की क्या फजीलत है। तो एक मरतबा एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो रहे थे कि जिब्राइल अलैहि सलाम तशरीफ लाए, और उन्होंने सहाबी रसूल का नाम कहते हुए कहा कि या रसूल अल्लाह ये फला सहाबी है।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी मलाइका में भी जाने जाते हैं, क्या मेरे सहाबी मलाइका में भी जाने जाते हैं? तो आपने कहा हाँ या रसूलल्लाह, ये यहाँ से ज्यादा इनकी पहचान वहां पर है। तो इनका कौन सा अमल है जिससे ये मलाइका में भी मकबूल है, मारूफ है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये अपने आप को, पहला अमल तो ये कि अपने आप को सबसे कमतर समझते हैं, यानी अपने आप को कमतर, यानी अल्लाह तबारक तआला के सामने बंदा अपने आप को हकीर और बिल्कुल नातवा, बिल्कुल आजिज जब तक ना समझे उसकी बंदगी पूरी नहीं होती। तो वो उनकी सिफतों में से एक सिफत थी कि वो अपने आप को कमतर जानते, और दूसरा सूरह इख़लास कसरत से तिलावत फरमाते। इसीलिए आप मलाइका में मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फजीलत इतनी है कि इसके पढ़ने वाले को मलाइका में शोहरत मिलती है। और एक हदीस मुबारका में आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को सूरह इख़लास पढ़कर दुआ करते हुए सुना, तो आपने 3 मरतबा सहाबी के उस दुआ के जवाब में फरमाया कि अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली। और फिर इरशाद हुआ कि जो ये इसमें आजम से अल्लाह के जो इसमें आजम से ये दुआ मांगता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तारीफ अल्लाह ने हमें सिखाई है, और फिर दुआओं का सलीका अता फरमाया है। तो एक बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह तबारक तआला को राजी करे। और फिर इसमें बहुत सारी फजीलत ये भी है कि एक सहाबी कसरत से नमाज में सूरह इख़लास पढ़ते, तो मुख्तदियों को थोड़ी सी दिक्कत होती कि आप अक्सर सूरह इख़लास यानी हर सूरत के बाद भी सूरह इख़लास पढ़ते, कभी कोई सूरा पढ़ लिया फिर या फिर सूरह इख़लास ही पढ़े तो अच्छा है। तो बोलने लगे वो सहाबी कि नहीं, मैं तो सूरह इख़लास कैसे भी पढ़ूंगा। तो आपका ये मामला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश कर दिया गया। तो फिर आपसे दरियाफ्त किया गया कि क्यों आप ऐसा करते हैं? तो वो सहाबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह के हबीब, इसमें अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है और मुझे ये सूरा बहुत महबूब है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया जो इस सूरे को पसंद करता है वो इंसान जन्नत में अपना मुकाम बना लेता है। तो उसने अपना मुकाम पा लिया, जन्नत पा ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी फजीलत में चंद अहादीस मैंने आपको बताए हैं। और फिर इस सूरह मुबारका को पढ़ना एक तिहाई कुरान पाक के पढ़ने के बराबर है। एक तिहाई कुरान मीन्स 1/3, ये मामूली बात नहीं है। कुरान में 30 पारे हैं, यानी 10 पारे पढ़ने का अजर आपको एक सूरत में दिया जाए तो क्या ही ये बेहतर सूरा है, हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तुम में वो बेहतरीन आदमी नहीं जो एक तिहाई कुरान पढ़कर अपने बिस्तर पर जाए? तो सहाबा ने जवाब दिया कि ये मुमकिन कैसे है या रसूल अल्लाह, हमें इतनी ताकत नहीं कि हम एक तिहाई कुरान पढ़कर अपने बिस्तर पर जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूरह इख़लास पढ़ लिया करे, वो एक तिहाई कुरान के बराबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका शान नुज़ूल और इसकी फजीलत तो हमने समझ ली है। अब इसका मुख्तसरन खुलासा मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि उन मुशरिकीन मक्का यानी कुफार को आप कह दीजिए या रसूल अल्लाह कि आपका रब एक है, अकेला है, वो किसी मिट्टी से, पत्थर से या फिर कोई चीज से नहीं बना है, को चांदी से, सोने से, पित्तल से नहीं बना है, बल्कि वो सरापा नूर है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नूर मीन्स हमारी जहन में एक बात आ जाती है कि कोई रोशन चीज जैसे कि बिजली, लाइट वगैरह, तो नहीं, हमारे अक्ल के अहाते के बाहर भी एक नूर है, वो रब्बे कायनात का है, हम समझ नहीं सकते, बस सुनना है हमको कि वो एक नूर है, सरापा नूर है। और एक बात इस सूरह मुबारका में भी ये बताई गई है हसब और नसब की वजह से कि लोग अपने 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 माबूदों को
कई नाम देते हैं कि फलां का बेटा, फलां की माँ, फलां फलां। तो हमारे यहाँ अल्लाह तबारक व तआला के लिए वही कहा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, अल्लाह तबारक व तआला एक है। और उसके बाद दूसरी आयत मुबारका में इरशाद हुआ, अल्लाह समद, वो बेनियाज है, यानी वो हर चीज से बेनियाज है। वो सुनता तो है लेकिन उसको कानों की जरूरत नहीं है, बशरी तकाजों से बेनियाज, दुनिया की हर चीज से बेनियाज। वो देखता है मगर हमारी तरह आंख नहीं, वो चलता है, वो बोलता है, वो कलाम फरमाता है लेकिन हमारी तरह जबान नहीं। वो सरापा नूर है, उसको किसी की हाजत नहीं, सारी दुनिया उसकी मोहताज है, वो बेनियाज रब है। यानी किसी को किसी की हाजत हो तो फिर वो क्यों कर बेनियाज हो सकता है। तो अल्लाह हमारा बेनियाज है, वो वाहिद है और वो बेनियाज है। सारी कायनातों का बनाने वाला, सारी मखलूक की तखलीक फरमाने वाला, सारे आलम को पैदा फरमाने वाला, चांद, सूरज, हवा, मिट्टी, पत्थर, सब सब चीज को क्यों कर वो उन चीजों से बना हो सकता है जिसने जिसने उनकी खुद तखलीक फरमाई है, उनको खुद बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरे की दूसरी आयत में हमारे रब बेनियाज का जिक्र है। ये इसमें आजम इसलिए कहा गया है कि वो हमारा रब बेनियाज है, उसे किसी चीज की हाजत नहीं। वो तो अता करने वाला रब है, वो तो लोगों को अता करने वाला रब है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तीसरी आयत मुबारका में लम यलिद वलम यूलद, ना इसकी कोई औलाद है ना वो किसी से पैदा हुआ। He neither begets nor he is begotten। यानी अब मुशरिकीन मक्का ने ये सवाल किया था कि आपके रब का हसब नसब क्या है ताकि हम उसकी पैरवी कर सके, हम उसके अहकाम मान सके। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला साफ अल्फाजों में इरशाद फरमाता है कि आपके रब की कोई हसब नसब नहीं, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा, ना उसने किसी से जना है ना वो किसी को जनता है, लेकिन सारी कायनात उसकी तखलीक करदा है, पैदा करदा है, लेकिन वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। खालिक़े कायनात है, रब्बे कायनात है, सारी दुनिया को बनाने वाला है, वो हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान है और उनके हसब नसब के बारे में जो सवाल किया गया है उसका जवाब है कि अल्लाह एक है, ना उसका कोई बाप है, ना कोई बेटा है, ना उसकी कोई बीवी है। ये सारी चीजों से, ये सारे बशरी तकाजों से अल्लाह तबारक व तआला पाक है क्योंकि वो सरापा नूर है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर चौथी आयत मुबारका में अल्लाह की और एक बेहतरीन सिफत का ऐलान हुआ, यानी उसके वो उसकी जो खूबी है बयान की गई है, वलम यलिद सॉरी वलम यकुल लहू कुफ्वन अहद, और न इसके बराबर का कोई है, एंड देयर इज नन कंपेरेबल एंड लाइक अनटू हिम। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में जिसकी तशबीह दी जाए, जिसकी तरफ इशारा करके बताया जाए। जैसे कि हम कोई अच्छी चीज देख लेते हैं, कोई अच्छा चेहरा देख लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये चेहरा तो बिल्कुल गुलाब की तरह है, तो यानी तशबीह दी जाती है कोई बेहतरीन चीज को बेहतरीन चीज से। लेकिन रब्बे कायनात वो वाहिद हस्ती है जिसका कोई मुशाबे नहीं, कोई उसके बराबर का नहीं जिसके बारे में हम कह के उसकी तरफ बताया जाए, क्योंकि सारी कायनात उसकी तखलीक करदा है, क्यों कर उस जैसी हो सकती है। जमीन, आसमान, चांद, सूरज, तारे, हर एक में रब्बे कायनात की रुबूबियत की झलक है, यानी अल्लाह की झलक हर चीज में मौजूद है। अल्लाह तबारक व ताला की तखलीक करदा चीजों को जब देखेंगे तो उसकी मौजूदगी और उसकी तखलीक करदा चीजों से हम अपने रब का अंदाजा कर सकते हैं कि हमारा रब कितना अजीम उशान है। बिना पिलरों के छत लगाए हुए हमारे ऊपर, आसमान, जमीन लगाए हुए है जो कभी खत्म नहीं होती भी नजर आती,
समंदरों का पानी, ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो उसके बनाने वाले की यकीनन तारीफ करेंगे और क्या कहेंगे, माशाल्लाह जैसा हमारे रब ने चाहा बिल्कुल वैसा ही कायनात को बना रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रब की वहदानियत का ऐलान इस सूरत मुबारका में है, तो हम इसको बकसरत पढ़ें और इसकी तिलावत करते रहे और अपने ईमान को मजबूत रखें ताकि हम अल्लाह तबारक व तआला के मामलात का इस्तेफादा कर सके, अल्लाह के अहकाम की पैरवी कर सके और अल्लाह की बताई हुई चीजों पर अमल कर सके। हमारा रब वाहद चाहता क्या है? हमारा रब वाहद हमारा सलीखा चाहता है, उसकी बंदगी चाहता है, उस तरह की बंदगी जिसमें हर वक्त वो अपने आप को चाहता है। यकीनन एक मामूली सा इंसान भी कोई चीज बना लेता है तो उसका बड़ा ही एहतमाम करता है ना कि मैंने एक फूल बनाया, उसको बड़ा ही सलीखे से एहतमाम से रखूं कि जाया ना हो जाए। तो रब भी तो वही चाहता है आपसे कि आप जाया ना हो जाए, आप कहीं गैरुल्लाह के मामलात में तबाह ना हो जाए। अपना रब चाहता है कि उससे शिर्क और कुफ्र से मेरा बंदा महफूज रहे, बस उसको यही अदा पसंद है कि वो वाहिद रब की इबादत करते रहे, शिर्क और कुफ्र में मुब्तिला ना रहे, अपने बंदे से वो वही चाहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस सूरे को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए हमको और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चार सूरे तफसील से पढ़े हैं, तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट इसके तमारीन यानि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइजेस तो नहीं कराऊंगी मैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाऊंगी जिसको आप पढ़ना और समझना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चारों सूरतों की तफसीर और तर्जुमा कर लिया है और उसको अच्छी तरह समझा है, तो अब मैं आपको इन चारों सूरतों की मुख्तसर सवालात जो इम्पोर्टेंट है वो बताने जा रही हूँ। वो ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ कि बिट नंबर थर्ड के लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, उक्तुब अल-खुलासा या उक्तुब अत-तफसीर, ठीक है, तफसीर या खुलासा लिखिए बोल के आपको बताया जाएगा और फिर सूरों का नाम दिया जा रहा है। इन चारों सूरतों में से कोई एक सूरत आपको आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती है। सूरतुल फातिहा, सूरतुल कौसर या फिर सूरतुल इखलास या सूरतुल असर, इन चारों सूरों की तफसीर आपको लिखना है। तफसीर किस तरह लिखेंगे, जो आपको क्लास में पै दर पे एक एक आयत की तफसीर बताई गई है उसको लिखना है। जैसे कि सूरह फातिहा में मैंने आपको मुख्तसरन बताती हूँ कि सूरह फातिहा में मैंने आपको क्या बताया था, पहले उसका शान नुजूल कि कहाँ पर ये सूरह फातिहा नाजिल हुई, तो ये सूरह फातिहा मक्का और मदीना दोनों में नाजिल हुई, दो मरतबा नाजिल हुई है ना, एक तहवील क़िबला के वक्त और एक नमाज फर्ज होते वक्त। तो ये जो है सूरत की शान नुजूल ये है कि ये दोनों मदनी और मक्की है और उसमें 7 आयतें हैं और फिर ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ एक आजिज बंदे की दुआ है। इसी तरह मैंने आपको तफसील से जो बताया है वो सारा का सारा आपको लिखना है अपनी ओन जबान में, यानी आप उर्दू में लिखे या इंग्लिश में लिखे या हिंदी में, जो चाहे जबान में आप इसका खुलासा, इसकी तशरीह या इसकी तफसीर लिख सकते हैं, ठीक है। इन चारों सूरतों को उसी तरह लिखना है, इन चार में से कोई एक तो इंशाल्लाह कैसा भी पूछा जाएगा तो इसको परफेक्टली याद करना है। ये दुरूज़ मिन अल-कुरान अल-करीम का चैप्टर है जिसमें चार सूरतें रखी गई है, उसका पहला सवाल 6 मार्क्स के लिए इन चार सूरतों में से आने वाला है, ठीक है। थर्ड बिट के लिए चॉइस में होगा लेकिन एक सूरा इसमें से कंपलसरी आने वाला है, तो याद करें आप। उसके बाद 6 मार्क्स के लिए बिट नंबर 6 के लिए 3 मार्क्स का एक सवाल है जो उज़्कुर मर्जिया हाज़िहिल आयात, यानि रेफरेंस दीजिए। रेफरेंस मालूम है कि एक सूरे में से एक आयत ली जाएगी, जिस तरह से यहाँ पे लिया गया है, ली जाएगी और आपको दिया जाएगा कि ये आयत कौन सी सूरत से ली गई है। रेफरेंस का माना क्या है कि ये दी गई आयत जो है कौन सी सूरत से ली गई है, तो आपको क्या करना है, इसको पहचानना है। पहचानने के बाद आपको
इसका जवाब लिखना है इस तरह। देखिए यहाँ पर एक आयत दी गई है इस तरह, यहाँ पर आप गौर से देखें, इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये कौन सी सूरत से है? आप देखते ही समझ जा सकते हैं कि बेशक इंसान खसारे में है। तो कौन सी सूरत है ये? सूरतुल असर। कौन सी सूरत है ये? सूरतुल असर। पहले इस आयत को अच्छी तरह समझे, फिर सोचे कि ये कौन सी सूरत से है, जब जाके आपको इसका जवाब लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे जवाब, गौर से देखें। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, जब ग्रामर में आप पढ़ेंगे तो आसानी से और समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। हाजिही के माना ये के है, हाजिही के माना ये के, ये के माना है दिस। इंग्लिश में दिस दैट फेमिनाइन मैस्कुलिन जेंडर के लिए एक ही होता है, लेकिन मुअन्नस के लिए हाजिही लिया जाता है, क्योंकि आयतु ये मुअन्नस है। हम कल ग्रामर सेक्शन में जब हम मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा वर्ड है, मैस्कुलिन है या फेमिनाइन। तो हाजिही मुअन्नस है, इसमें इशारा, हाजिही आयतु उकज़त लिया गया है, मिन सूरति, मिन के माना है से, ये क्या है, हर्फ है, ये क्या है, मिन हर्फ है, जिसकी वजह से इसके आखिर को जेर दिया जाता है, मिन सूरतिल असर, मिन सूरतिल असर। माशाल्लाह से आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी आयत इन चार सूरतों में से दी जाए तो आपका जवाब बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए कि हाजिल आया तो उकज़त मिन, जैसा है वैसे लिखना है आपको, यानी ये आयत ली गई है, कौन सी सूरत से ली गई उसका नाम लिख देना है। यहाँ पर सूरह असर की पहली आयत और दूसरी आयत फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, जो के सूरह कौसर से ली गई है। आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया है कि अपने रब की नमाज, अपने रब की बारगाह में नमाज अदा करे और कुर्बानी दे। तो कौन सी सूरत में है ये, इसका जिक्र सूरह कौसर में है। तो सूरह कौसर की ये आयत है, तो इसको भी इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, हाजिही। इसकी प्रैक्टिस करें तो आप आसानी से लिख सकते हैं, आयतु उकज़त मिन सूरतिल कौसर। ये एक अगर आप लिखते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो अब आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिट नंबर 6 मार्क्स की होती है, जिसमें 2 पूछे जाते हैं, एक लेसन से एक सूरा सेक्शन से। तो ये भी चॉइस में होता है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से लिख सकते हैं। क्या अरबी लिखना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, एक एक वर्ड को अलहदा अलहदा करके लिखेंगे तो बसानी लिख सकते हैं। उसके बाद बिट नंबर 1 के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूं मैं आपको, वो ये है, अजीब अनिल असिलतिल आतिया, यानी दिए गए सवालात के जवाब लिखे। तो अयु सूरतुन मिन कुरानिल करीम, कुरान मशहूरतुन बी उम्मुल कुरान, कौन सी सूरत मशहूर है उम्मे कुरान से, कौन सी सूरत कुरान पाक में मशहूर है उम्मुल कुरान के नाम से, ठीक है। तो वो कौन सी सूरत है, सूरतुल फातिहा मिनल कुरानिल करीम मशहूरुन बी उम्मुल कुरान, कौन सी सूरत है, सूरतुल फातिहा है। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, उस्कुर बाज़ल अस्माउ मशहूरतुन बिसूरतिल फातिहा, तो उसका जवाब जिक्र कीजिए चंद नाम, मशहूर नाम सूरह फातिहा से, ठीक है। तो उसका जवाब है उम्मुल कुरान, यानी पहला जवाब क्या होगा, उम्मुल कुरान, सूरह फातिहा उम्मुल कुरान से मशहूर है। सूरह शिफा, ये भी सूरह शिफा भी कहा जाता है सूरह फातिहा को, और फिर सबह मसानी वो भी कहा जाता है, और सूरह हम्द ये भी कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा सवाल, लिमन आता अल्लाहुल कौसर, तो उसका जवाब ये है, आता अल्लाहु अल कौसर लि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। तीसरे सवाल का जवाब है, अल्लाह तबारक व ताला ने किसको आता की कौसर? तो क्या जवाब होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता फरमाई गई। बिमा अक्समुल्लाहु अक्समुल्लाहु फी सूरतिल असर। तो इसका जवाब है, अक्समुल्लाहु फी सूरत अल-असर बिद-दहर वज़माना, बिद-दहर वज़माना। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे असर में किसकी कसम खाई है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त की, जमाने की कसम खाई है। अक्सम अल्लाह फी सूरत अल-असर बिद-दहर व बिद-ज़माना, ठीक है। उसके बाद कम आया तू फी सूरत अल-इख़लास, कितनी आयतें हैं सूरे इख़लास में? फीहा अरबा आयत, ठीक है। इसमें चार आयतें हैं, आयाती अरबा आयाती, ठीक है। तो यहां पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं, तो मैं आपको वन वर्ड आंसर्स के लिए चंद क्वेश्चंस बताती हूं, जो आप गौर से सुने। कम आया तो फी सूरत अल-फातिहा, कितनी आयत है सूरह फातिहा में? वन वर्ड आंसर के लिए सबा। मन कम आया तो फी सूरत अल-कौसर, सलासा, तीन आयतें हैं। कम आया तो फी सूरत मन हुआ फिल खुसरान, कौन है नुकसान में? इंसान। मन हुआ मालिक यौमिद्दीन, कौन है मालिक यौमिद्दीन? अल्लाह। मन हुआ समद, कौन है बेनियाज? अल्लाह। तो ये वन वर्ड आंसर रहे आपके, जो आपकी रीडर में मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुलासा और रेफरेंस और क्वेश्चन आंसर्स इम्पोर्टेंट बताए गए हैं। इसको बगौर पढ़े और इस पर इसकी मश्क करें, ताकि आपको बआसानी लिखना और पढ़ना आ जाए। ये नहीं समझना कि बिल्कुल मुश्किल है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज आसान हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुरूस मिन अल कुरान का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है आज। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।